स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप जसप्रीत बुमराह को एक बहुत ही सुंदर क्रिकेटर मानते हैं तो ज़रूर जसप्रीत बुमराह के बारे में अपना राय कमेंट करके जाहिर करिए। दोस्तों तीसरा टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियन फैंस ने भारतीय क्रिकेट टीम का प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और गाली देते हुए नज़र आया है। उसका वीडियो मैं अभी इस वीडियो में शेयर करूँगा। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ आखिर क्या हुआ था पूरा मामला। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीडी में चल रहा है तीसरा टेस्ट मैच। दोस्तों इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम का होके हर एक क्रिकेटर ही अच्छे प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा टेस्ट मैच हारा था तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपने गंदे बर्ताव करके ये मैच जीतना चाहता था। पहले दोस्तों अपने न्यूज़पेपर में दिखाया था किस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ पर रोहित शर्मा और साथ में कई दिग्गज क्रिकेटर को टेस्ट टीम से बाहर करने के लिए प्लान बनाया था। इस बार दोस्तों जब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन कुछ फैंस ने यहाँ पे गंदे बर्ताव किया है। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को शेयर किया था जहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टीम का प्रमुख बैट्समैन लबुशन ने किस तरीके से शुभमन गिल और साथ में रोहित शर्मा को स्लेजिंग करते हुए नजर आए थे। ये स्लेजिंग का घटना तो हर मैच में ऑस्ट्रेलिया करता ही है। बता दो दोस्तों इसके पहले मैं तो वडे भी ऐसे ही ऋषभ पंत के साथ किया था। दोस्तों आज ऑस्ट्रेलियन फैंस ने जो किया है जिसके वजह से भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान और कोच साथ में BCCI को ICC के पास ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के खिलाफ कंप्लेन शिकायत दर्ज करना पड़ा। आखिर क्या हुआ है दोस्तों मैं आपको बता दूँ। दोस्तों इस मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियन कुछ फैंस ने जब जसप्रीत बुमराह बाउंड्री में जाके फील्डिंग कर रहे थे तो दोस्तों पहले जसप्रीत बुमराह और उसके बाद मोहम्मद सिराज को लेकर गालियां दी। दोस्तों ये चीज़ पहले पर्सनल उसके साथ साथ भारतीय फैंस को बुरा लग गया। हालांकि दोस्तों अब जानते हैं जसप्रीत बुमराह कितने शांत स्वभाव का है। उन्होंने पहले कप्तान अजिंक्य रहाणे को आके एक बार बोला और वो फैंस को उन्होंने चुप होने के लिए बोला। जाओ आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। इस फैंस ने बिल्कुल भी नहीं मोहम्मद सिराज भी फील्डिंग के दौरान उस पोजीशन में गए तो फिर मोहम्मद सिराज के साथ भी ऐसे बर्ताव किया। साथ में दोस्तों ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो गया तो दोस्तों टीम का खेल ख़त्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान अजिंक्य रहाणे और कोच रवि शास्त्री ने सब मिलकर ये फैसला किया ICC के पास इसके खिलाफ कंप्लेन और शिकायत दर्ज करना ज़रूरी है। बता दूँ दोस्तों इसके दौरान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने जो बर्ताव किया है ये पहली बार नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इससे पहले मतलब 13 साल पहले एंड्रू साइमन हरभजन सिंह मिलकर भी ऐसे घटना सारे जगह पे प्रचार किया था। इसके वजह से दोनों दिग्गज क्रिकेटर को 3-3 टेस्ट मैच खेलने के लिए रोक लगाया गया था। ऐसे में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ICC क्या बड़े बदलाव करता है क्या क्या फाइन लगाता है वो तो देखने वाली चीज़ है। आप भी इस मामले पर अपना प्रतिक्रिया शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए।